सर्दी है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री तुलसी बाबा जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रावत जी, हमारे प्रबंधक यहाँ पर आए हुए समस्त अतिथिगण, मेरा समस्त स्टाफ एवं प्यारे जब कभी को विदित है कि आज हमारे बीच से हमारे परिवार का एक सदस्य हमसे विदा हो रहा है और निसंदेह ही विद्यालय परिवार को बहुत दुख के साथ यह दिन उन्हें विदाई के लिए देखना पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है लगभग हम लोगों का 34 वर्ष का हाथ रहा है, मैं साथ ही शायद उसी वर्ष हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा दुख इस बात का भी है कि मेरे सभी जो साथी थे, पुराने साथी, वो एक एक करके हमसे विदा होते जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि एक न एक दिन जो है हमको अपनी सेवानिवृत्ति तो लेनी पड़ती है, क्योंकि ये तो नियम है कि हमेशा ही क्या है, कोई भी इंसान जो है एक जैसा कार्य नहीं कर सकता। उम्र के बढ़ने के साथ ही साथ क्षमता कम हो जाती है, तो रिटायरमेंट हमें लेना पड़ता है। भले ही सरकार हमारे साथी को रिटायर कर रही हो, लेकिन हम नहीं, मन से नहीं सोचते हैं कि ये हमारे बीच से रिटायर हो चुके हैं। हम अपने जितने भी अभी हमारे यहाँ पे पूर्व जो प्रशासनिक अधिकारी श्री भोला सिंह जी हैं, जब भी वे यहाँ पर विद्यालय में आते हैं तो हमें नहीं लगता कि ये इतने रिटायर हो चुके हैं, हम उनको अपना ही साथी समझ देते हैं। जितने भी लोग पुराने हैं, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो विद्यालय परिवार था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सबके बीच में प्रेम संबंध थे हम लोगों के, हम अपना परिवार समझते हैं विद्यालय को। क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि हम लोगों के अन्यत्र कहीं ट्रांसफ़र नहीं होते और हम लोग बड़े मिलजुल करके एक जिस प्रकार से एक परिवार होता है, वहाँ पर प्रत्येक आदमी जो है एक दूसरे को सम्मान देते हुए और जीवन निर्वाह करता है, इसी प्रकार हम अपने बुजुर्गों का, जो हमसे सीनियर थे, उनका हमने हमेशा सम्मान किया है और सम्मान करते रहेंगे। अनुभवों से अवगत करवाएंगे और जहाँ पर भी हो सके विद्यालय के प्रशासन से लेकर के या साज सज्जा से लेकर के किसी प्रकार की भी व्यवस्था हो, उसको बनाने में भी अपना पूर्ण योगदान बनाए रखेंगे। मैं अब इसके बाद लास्ट नंबर जो है सीनियर्स में मेरा ही है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरी जो हमारी स्टूडेंट हैं वो हमारी प्रधानाचार्य का पद संभालने जा रही हैं। और मैं सारी जनता से, यहाँ पर जनता से भी और अपने समस्त स्टाफ से भी यह उम्मीद करती हूँ कि उनके इस पद भाग ग्रहण करने में उनकी हर तरफ से सहयोग करेंगे, ताकि विद्यालय का नाम हमारा जिस प्रकार से हमारे प्रधानाचार्य जी श्री सुल्तान सिंह जी ने इसको एक छोटे से वृक्ष के रूप में सींचा था, इस वृक्ष को पनपने में अपनी पूर्ण सहभागिता बनाए रखेंगे। जहाँ तक सवाल है कि हमारे स्टाफ का, स्टाफ में हमारे लोग जो हैं, सब अध्यापक गण जो हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। श्रीमती अंजू मैम से आग्रह करूंगी कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एमएम नोटा सर और हमारे इस विदाई समारोह के मुख्य आकर्षक श्री दलीप सिंह रावत जी, उनके परिवार से आए हुए समस्त उनके बड़े भाई साहब, उनके बेटे बहू व उनके जितने भी परिवारगण हैं, सबका स्वागत। और
विद्यालय के पूर्व प्रबंधक श्री विनोद रावत जी, हमारे बीच हमारे पूर्व संस्थापक प्रधानाचार्य उनके सुपुत्र विनोद नेगी जी, विनोद रावत जी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री, और हमें भी बाबूजी की विदाई में बहुत जहाँ हर्ष भी हो रहा है और वहाँ उनके जाने का दुख भी हो रहा है कि उनकी कमी है इस विद्यालय को हमेशा होती रहेगी, क्योंकि विद्यालय में जो हमारे बाबूजी और जो लिपिक वर्ग होता है वो विद्यालय की एक रीढ़ होती है जिन पे पूरा विद्यालय टिका हुआ है और उन्हीं के दिशा निर्देशों में सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो हमारे बाबूजी की एक विशेषता रही है कि वे कार्य कुशलता के मामले में बड़ी बारीकी से जांच करते हैं और हम सभी यहाँ पे जितने भी टीचर हैं या जितने भी कर्मचारी हैं उनके मार्गदर्शन में कुछ ना कुछ सीखने को, उनके बताए हुए मार्ग पर ही जो प्रशासनिक सेवाओं का कार्य होता है, विभागीय कार्य होता है, बारीकी से वे देखते हैं और उनके ये अनुभव हमें आगे भी याद आते रहेंगे। या उनकी जो सेवाएं हैं, उन्होंने जितने वर्ष इन विद्यालय को जितनी सेवा दी है उसका जो अनुभव है, उसका अनुभव हम उनसे रिटायरमेंट के बाद भी उनसे हम उनकी सेवाएं लेते रहेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता हमें आगे भी पड़ेगी, क्योंकि उनके अनुभव बहुत हैं और हमारे जितनी भी नई पीढ़ी है, अब ये तो पारी नई पारी है, क्योंकि जैसा मैम ने बताया कि धीरे धीरे हमारे बीच जितने भी डॉक्टर अन्नम नौर्या जी, वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती अनिता रावत जी, श्रीमती अंजू मैम, सभी शिक्षिका एवं शिक्षक साथी, मेरे समस्त शिक्षक साथी एवं चतुर्थ मिनिस्टर वर्ग के संवर्ग के समस्त कर्मचारी यहाँ पर तक आए आगा, तो पूर्व प्रबंधक श्री विनोद सिंह नेगी जी और SMC के अध्यक्ष श्री सुभाष रावत जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री सुल्तान सिंह जी के सुपुत्र श्री विनोद सिंह नेगी जी रावत जी एवं प्यारे छात्र छात्राओं, बच्चों आज का दिन बहुत खुशी का भी है, क्योंकि इतने सालों के बाद सेवानिवृत्ति का मौका मिल रहा है और दुख भी हो रहा है कितने सालों के साथ हम अपने साथियों को छोड़ के जा रहे हैं। कभी भी हमारे आपस में वो क्लेशबाजी नहीं हुई, चौथे साल हमने इतनी खुशी से यहाँ पे व्यतीत किए कि टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा। बाकी ज़्यादा क्या बोलना है भाई, और बच्चों के छात्र कल्याण के लिए मैं 5,000 की धनराशि वो छात्र कल्याण में जमा करूँगा। एक आप ही डाल लेंगे इसी क्रम में। और ये देखो यहाँ पर पूनम मैडम, हाँ जी मैडम, अपने जीवन साथी के साथ शादी हो रही है, ये स्कूल में हो रही है, ये देखो जयमाला भी साथ हो रही है, बाबा जी तेरा बीबी बाबा जी आशीर्वाद दे, ये देखो हंसी मजाक भी दोनों साथ चल रही है। राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा में बचपन में सहपाठी रहे हैं, एक साथ पढ़ा है और एक साथ ही सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं अगले दोनों, जैसे घंटी गोल करते थे, मार भी बहुत पड़ती थी हमारे टाइम पर, पढ़ाई करके आते थे, कुछ घंटियां ऐसी होती थी जिनमें हमें डर रहता था क्या फलाने गुरु जी घंटी आ गई है, जा करके चले गए। आपने मेरे लिए आसान मार्ग कर दिया है कि मुझे आप भविष्य में जिनको मैं आप चार्ज दूंगा, मुझे उनको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने बड़ी निष्ठा और लगन से विद्यालय को सींचा है, आप बड़े उदार हृदय हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी गलत काम हुआ हो तो गलत का आपने हमेशा प्रबल विरोध किया है, सही काम का साथ दिया है,
और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी आप अपने को सेवानिवृत्त न समझें, भले ही आप आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 29 मार्च फलता फूलता देखते हैं, फिर उसको बारीकी से काम दिक्कत होती सीखने में, तो उसको सारा काम अभी मैं रोज आ रहा हूँ विद्यालय में और सारा काम सिखा रहे हैं उसको कि अब यही काम। उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करे, इसी कामना के साथ मैं देख रहा हूँ, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राम सिंह रावत जी को याद करते हुए, एक वक्त वो था जब खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए जूता नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, और हम और ये बच्चों को यहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पंच भी संभाल देना पहले। ये खाके खाने के बाद इधर ही उठानी है, और ये कुर्सियां प्लास्टिक की फोल्ड करके ये मुसलमान खान का पूरा स्टाफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ लोग लेफ्ट राइट है। ठीक है।
बाबूजी के गांव में पहुंच चुके हैं। वहां पर देखिए ढोल नगाड़ों की थाप, ये हमारे मामा जी, ये ऑफिस के कर्मचारी स्कूल से आ चुके हैं यहां पे, राणा भाई, ये फिर से सज रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम डुंगरी गांव में, बाबूजी के आगमन पर यहां पर लोग उनका स्वागत अतिथि। ये देखो डुंगरी में बाबूजी के घर के नीचे जगमोहन जी का घर, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग की गई है, लंबा चौड़ा मकान। पहुंच चुके हैं बाबूजी के घर में, काफी थकान लग चुकी है उनको, चढ़ाई जो है अभी पीछे लगे हुए लोग।
ये देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है। डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं बाबूजी के घर में। ये देखिए ये खाना खाते हुए देवों के देव जय देव, इनको बहुत भूख लगी, इन्होंने बहुत काम किया स्कूल में भी और यहाँ पर भी कर रहे हैं। देखो ये बता रहे हैं अपने आप को देखो ये अब ये चीज और अब हम बाबूजी के घर से अपने घर की ओर निकल रहे हैं। बहुत इंजॉय कर दिया है, उनको घर तक पहुंचा दिया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये सभी हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, बाबूजी से जो आशीर्वाद लेते हुए शुभाशीष देते हुए बाबूजी यहाँ पर